Hey guys, I'm back with another episode of Minecraft और आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मॉड देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को Minecraft Pocket Edition में PvP Pro बना देगा। देखो जब से लापता SMP आई है पता नहीं लोगों को क्या PvP Pro बनने का शौक चढ़ गया, लेकिन anyways भाई PvP करने में मजा भी आता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मॉड दूंगा ना जो कि आपको PvP Pro बना देगा, मीन आप लोग की इंप्रूव हो जाएगी PvP बहुत ज्यादा, वो भी MCPE में। और भाई आजकल पता नहीं क्यों लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं और फिर छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब कि 20,000 व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन लाइक भाई कुछ ऐसे 1,000 के आसपास रहते हैं। इसलिए आज के बाद मैं भाई वीडियो का टारगेट देना ही बंद कर दूंगा, जाओ। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई डाउनलोड करने से कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो देखो तुम लोग को गूगल में जाना और सर्च करना स्पंकी ऑफिशियल, वहां पर मेरी मेन साइट मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग किसी भी सर्वर में पीवीपी करने जाते हो और वहां पर तलवार में फायर एक्सपेक्ट लगी है तो आप लोग के आग के सामने एकदम आग आ जाती होगी, तो उसके लिए ये वाला मॉड है, ये है लो ऑन फायर। यहां पर आप लोग को आग एक तो छोटी दिख जाती है और दूसरी बात जब ये जलते हो ना आप तो भाई आग दिखती ही नहीं है। देखो भाई मैं जल रहा हूं लेकिन आग दिख ही नहीं रही है। आप लोग यहां पर आराम से कंपैरिजन देख सकते हो विदाउट मॉड और विथ मॉड वाला। भाई विदाउट मॉड में कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है और विथ मॉड में तो भाई आग दिख ही नहीं रही है। मुझे किसी ने तो कमेंट करके बताया था कि बेटर बेडरॉक क्लाइंट बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन पता नहीं भाई ये न्यू अपडेट के कारण तक ग्लिची क्यों हो गया है। खैर एनीवेज उसके कहने पे सिर्फ मैंने इसे इंक्लूड किया है, पता नहीं है मेरी फोन में क्यों थोड़ा थोड़ा लैग चल रहा है, लेकिन हो सकता है आपके फोन में अच्छा चले। यार ये चीज का डाउट मेरे को क्लियर कर देना कमेंट में, क्योंकि मेरे को पक्का नहीं पता कि भाई ये सबके में लैग चल रहा है या फिर सिर्फ मेरे में। बाय द वे मैंने इसे इंक्लूड सिर्फ इसके फीचर्स के कारण किया है, कि वैसे भी यूटिलिटी यूआई में भी इतने सारे फीचर है, लेकिन हाँ ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है। मैंने इसमें शेडर इसलिए ऑफ रखा ताकि मेरे को सही से पता चल पाए कि हाँ ये अपने कैसे काम कर रहा है बिना शेडर के। दो मॉड लगाने के बाद मैंने अपने दिमाग में जोर लगाया और मैंने बोला भाई ऐसा कौन सा मॉड हो सकता है जो कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में पीवीपी करने के लिए काम आ सकता है। तभी मैंने सोचा कि अगर आप लोग लोकल सर्वर में पीवीपी कर रहे होगे तो भाई तुमको तो हार्ड दिखाएगा नहीं सामने वाले का, तो मैंने इस पे क्या इंक्लूड किया ये देखो। थर्ड वाले मॉड की मदद से आप लोग ये देख सकते हो सामने वाले बंदे की हेल्थ कितनी है और एक हिट में उसको कितने ज्यादा डैमेज पड़ा। ये वाला मॉड मेरे को सही लगता है यार, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो में भी इसे इंक्लूड कर दिया और लिटरली भाई इस पे कोई भी ग्लिच नहीं है। देखो मैंने वो वेंडरिंग ट्रेडर को मारा, अब इसके लामा को मारूंगा नूब। जंप करके मारोगे ना तो ज्यादा डैमेज जाएगा और बंदा खत्म। अब पीवीपी की बात हो रही है और यहाँ पर टेक्सचर पैक का नाम ना है, भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये एक यूट्यूबर का टेक्सचर पैक है जो कि जावा एडिशन के लिए था, लेकिन यहाँ पर एक बंदे ने इसे MCPE के लिए कन्वर्ट किया है। और सही बता रहा हूँ भाई ये डॉली का टेक्सचर पैक इतना बढ़िया टेक्सचर पैक है, मतलब लिटरली अगर आप खाओगे तो खाने की अवस्था अलग है। सभी चीजों के टेक्सचर थोड़े स्मूथ कर दिए गए हैं एंड यार ये एप्पल एकदम छोटा कर दिया गया क्योंकि MCPE में एक तो भैया तुम्हारी स्क्रीन इतनी छोटी और उस पर भी तुम एकदम थेड़ा सा एप्पल खाओगे तो क्या होगा। भाई साहब तुम टोटम देखो, भाई ये टोटम इतना बढ़िया लगता है लेकिन ये MCPE में पता नहीं क्यों एनिमेटेड नहीं हो रहा है, लेकिन जावा में एनिमेटेड होता है। और शील्ड मैं हाथ में पकड़ा हुआ हूँ दोस्त, मतलब शील्ड दिख ही नहीं रही है भाई, उस साइड वाले हाथ में मैंने शील्ड पकड़ रखी है। इसमें जो क्रिस्टल और ये इन्वेंटरी है भाई डार्क मोड वाली है, देखो क्रिस्टल तुमको दिखाता हूँ मैं। भाई साहब ये क्रिस्टल देखो कैसा दिख रहा है, अगर मैं इसको फोड़ूंगा ना तो देखो कैसी आवाज आई बम जैसी। और यार बहुत से लोग मुझसे पूछते कि भाई ये कौन सा मैप है, हमको भी ये मैप की डाउनलोड लिंक दे दो, तो देखो दे देंगे मैप वाला, जब वीडियो डालूंगा तब उस पर ये वाला मैप भी डाल दूंगा, खुश कमेंट कर देना मेरे को। अभी मैंने पूरे मॉड्स को लगा दिया है, अब मैं गॉड स्पंकी नेटवर्क के नेदरराइट पीवीपी में खेल के देखता हूं कि क्या ये मॉड्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं। देखो मैं MCPE में बहुत ज्यादा नूब हूं और मैं अंदर आ चुका हूं, भाई बंदे देख रहे होंगे कि गॉड स्पंकी आ गया, मतलब कि मेरी रैंक है ना वो गॉड है और मेरा नाम है स्पंकी, तो गॉड स्पंकी दिखता है मेरा नाम एकदम यूनिक तरीके से। ओ भाई मॉड तो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, देखो यहां पर आग भी नहीं दिख रही, डॉली टेक्सचर पैक भी अच्छे से वर्क कर रहा है, बट ये बात है कि यार मैं बहुत ज्यादा नूब हूं। आप लोग इस पे प्रो हो कि नहीं मेरे को ये कमेंट करके बताना, और आप लोग को भी अगर इस पे खेलना तो ये गॉड स्पंकी सर्वर है, आपको डिस्कॉर्ड पे इसकी आईपी आराम से मिल जाएगी, इसलिए जाओ जाके हमारा ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो। भाई ये मॉड्स तो एकदम अच्छे से वर्क कर रहे हैं और ये बंदा लग रहा है मेरे को पहचान गया, देखो पीछे आ गया मैं इसके सामने टीम अप करने को। ओ भाई रुक गया ये बंदा, ये टीम अप कर रहा है भाई, अच्छा बंदा यार ये ले भाई तू हीलिंग का पोशन खा। हम लोग के दो डिस्कॉर्ड सर्वर है, एक है ऑफिशियल गॉड स्पंकी का और एक है मेरा स्पंकी इंसान वाला, दोनों को जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी आईपी पोर्ट आराम से मिल जाएगी। नाउ अब वीडियो का लास्ट पार्ट, अगर आप लोग को इसे डाउनलोड करना है तो आप लोग को गूगल में जाना है और स्पंकी ऑफिशियल सर्च करना है, वहां पर आप लोग को मेरी वेबसाइट मिल जाएगी और ये वाली पोस्ट आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। बाय चांस अगर आप बहुत लेट देख रहे हो तो आप लोग को यहाँ सर्च में जाना है और आप लोग को पीवीपी लिखना है, वहां पर आप लोग को ये वाली वीडियो की पोस्ट दिख जाएगी। और अगर आप लोग ये वाले वीडियो में अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा, जिसपे और भी अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया मॉड होंगे। और आपको कोई अच्छा सा मॉड पता है तो मेरे को सजेस्ट करके बताना कमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऊपर वाली वीडियो में क्लिक करके देखो मेरा रोस्टिंग चैनल और नीचे वाली वीडियो में क्लिक करके देखो हाउ टू इंप्रूव पीवीपी इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। गुड बाय।